नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। अंबेडकर नगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान विरोधियों पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि लोग नए नए लुभावने नारे लेकर आ रहे हैं। नड्डा ने कहा कि सपा सरकार में भ्रष्टाचार और दुराचार हुआ है। तो आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में कई जगहों से ये यात्रा की शुरुआत हुई है, जहां पर इसी कड़ी में अंबेडकर नगर में जेपी नड्डा पहुंचे, जहां पर इस यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। साथ ही सपा सरकार पर वार किया और कहा कि सपा की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। मित्रों, ये जन विश्वास यात्रा लोगों के बीच में जाना, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना, जो कहा वो करके दिखाना, ये आपने पहले कभी सुना था? नदी के इस पार और उस पार के बीच में झगड़ा पैदा करो, सड़क के इस पार और उस पार के बीच में झगड़ा पैदा करो, लोगों को वोट बांट करके ले लो और देने के बाद भूल जाओ और अगले चुनाव में नए नए नारे लेकर के आ जाओ। यही राजनीति है। ये जनता के बीच में जाना, लोगों का विश्वास लेना, जो कहा था वो करके दिखाना, ये संस्कृति अगर किसी ने पैदा की है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पैदा करके दी है। इस बात को हमको समझना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मथुरा पहुंचे, जहां उनका बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई, साथ ही जनसभा को संबोधित भी किया। पिछहत्तर कुंडीय यज्ञ के आयोजन पर साध्वी प्रज्ञा बुलंदशहर पहुंची, जहां स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर गायत्री परिवार की ओर से 75 कुंडिया महायज्ञ का आयोजन किया गया था। वहीं आपको बता दें, इस यज्ञ के आयोजन पर डॉक्टर साध्वी प्राची ने कहा कि इतिहास कम्युनिस्टों के साथ खड़ा है और बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो आम लोगों के सामने नहीं पाए गए। वहीं अमृत महोत्सव में ऐसे ही भूले बिसरे क्रांतिकारियों को समाज के सामने याद किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर की ओर से बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहे जाने पर साध्वी प्राची बोली कि कांग्रेस दोगली राजनीति करती है और मंच पर महिलाओं को लेकर सम्मान दिखाती है, लेकिन वास्तविकता में महिलाओं के सम्मान से कांग्रेस दूर है और कांग्रेस को ऐसी राजनीति की वजह से ही उसे सत्ता से दूर रहना पड़ा। चल रहे हैं स्वतंत्रता से इतिहास, क्योंकि कम्युनिस्टों के हाथ में रहा और इतिहास में सच्चाई नहीं आई। बहुत से हमारे क्रांतिकारी, बुलंद शहर के भी बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे हैं जिनका इतिहास में कोई चर्चा तक नहीं है, इसीलिए उनकी चर्चा इस मंच पर हो। अमृत के परिप्रेक्ष्य में उस कार्यक्रम में मैं आई हूँ।